अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। सिंध जी हजारे सालन जी तारीख़ गवाही दे थी तो ही धरती हमेशा अमन भाईचारे ए मजहबी रवादारी ए मोहब्बत जी धरती रही है। इते हर मजहब फिरके रंग नसल ए बोली जा मानू बिना के मतभेद वेट जे दोस्ती ए भाईपी सा रहंदा पया अचन। पर हुकुमरानन ए इस्तेसाली तबकन जे मानन इक़्तदार ऐं ॿियनि मुफ़ादनि ख़ातिर अहिड़ा इक़दाम कया आहिनि जंहिंसां मज़हबी मतभेद ऐं फ़िरके परस्ती खे हथी मिली आहे। हिन पुरमन खिते जे रहवासियुनि विच में टकराव ऐं छिकताण वारी सूरतहाल पैदा थी आहे। हिन वक़्तु अक़लियती तहफ़ुज़ बिल छिकताण जी वजह बणियल आहे। जीअं त कुझु अर्सो अॻु सिंध असेंबली ही बिल मुतफ़िक़ा तौर ते पास कयो हो, जंहिं ज़रिए ज़बरदस्ती मज़हब मटाइण ऐं 18 सालनि खां घटि उमिरि वारनि लाइ मज़हब मटाइण ते पाबंदी हई वई हुई। पर कुझु इंता पसंदनि ऐं मज़हबी बुनियाद परस्त हल्कनि जे दॿाउ में अची पीपी हुकूमत हिन बिल खे कानून बणाइण बजाए हिन में तरमीम करण या बिल वापसि वठण जी कोशिश करे रही आहे। हिन बिल जी अहमियत इहा आहे त हिन बिल खे सिंध असेंबली मुतफ़िक़ा तौर ते पास कयो आहे। गॾो गॾु हीउ बिल पाकिस्तान जे आईन जी बुनियादी उसूलनि मुताबिक़ आहे, जेको सभिनी शहरनि खे बुनियादी इंसानी हक़नि जे तहफ़ुज़ जी ज़मानत ॾिए थो। उन खां अलावा हीउ बिल सिंध जे अक्सरियती आवाम जे ख़्यालनि, जज़्बातनि ऐं अहसासनि जी तर्जुमानी करे थो। ख़ासि करे 18 सालनि खां घटि उमिरि वारनि ॿारनि जे मज़हब मटाइण ते पाबंदी वारी शिक तमामु अहम आहे। जॾहिं 18 सालनि खां घटि उमिरि वारनि लाइ ड्राइविंग लाइसेंस ऐं वोट जो हक़ इस्तेमालु करण ते पाबंदी आहे, त मज़हब मटाइणु उन खां केतिरा ई भेरा वधीक अहम ऐं मुश्किल मसइलो आहे। तंहिं करे 18 सालनि वारी पाबंदी लॻाइणु लाज़मी थी वञे थो। उन लाइ ज़रूरी आहे त हिन बिल खे बिना कंहिं तरमीम जे अमल में आंदो वञे। सिंध जे गुणगुरनि जो चवणु आहे त जेकॾहिं बिल खे वापसि वरितो वियो त उन जा मुस्तक़बिल में इंतिहाई ख़तरनाक नतीजा निकिरी सघनि था, छो त हिन सां मज़हबी इंता पसंदनि जी हिमत अफ़ज़ाई थींदी ऐं पोइ हिते जे पुरमन शहरनि ऐं ख़ासि तौर ते गैर मुस्लिम माण्हुनि जो आम शहरनि जीअं ज़िंदगी गुज़ारणु मुश्किल थी वेंदो। हिन सां नफ़रत जी सियासत में इज़ाफ़ो थींदो ऐं हिते पहिरियां ई मौजूदु सियासी ऐं समाजी बहरान वधीक संगीन सूरत इख़्तियार करे वेंदो। पीपी जी हुकूमत माज़ी में बुरुजत परस्त ऐं इंता पसंद धुरनि जे दॿाउ में अची अहिड़ा कानून ठाहिया जंहिंसां मुआशिरे में अदम इस्तेहकाम ऐं नफ़रत में इज़ाफ़ो थियो, जंहिंजा संगीन नतीजा सिंध समेत सॼे मुल्क जी अक्सरियती आवाम भोगे पई। हीउ बिल पीपी खे माज़ी जी मौक़े परस्ती वारी सियासत जो कंहिं हद ताईं अज़ालो करण जो मौक़ो फराहम करे थो। तंहिं करे अक़लमंदी जी तक़ाज़ा आहे त हिन बिल खे फौरी तौरु क़ानूनी शकल ॾिनी वञे। अक़लियती तहफ़ुज़ बिल जी वापसी ख़िलाफ़ु सिंध जे क़ौम परस्तनि ऐं सिविल सोसाइटी तर्फ़ां केतिरे ई अरसे खां एहतजाज जारी आहे। उन सिलसिले में अॼु सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी तर्फ़ां आर्ट्स काउंसिल कराची खां सिंध असेंबली ताईं रैली कढी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतजाज में कम्युनिस्ट पार्टी, जीएसएन महाज़, अवामी वर्कर पार्टी, अवामी जमहूरी पार्टी ऐं ॿियनि तनज़ीमनि जा अॻुवाण ऐं कारकुन वॾे अंग में शरीक हुआ। एहतजाज दौरान रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सां ॻाल्हाईंदे जीएसएन महाज़ जे चेयरमैन ख़ालिक जुणेजो जो चवणु हो त हिन बिल खे वापसि वरितो वियो त भरपूर एहतजाज कयो वेंदो। ऐं हीउ एहतजाज मूंखे त इहो ॿुधाईंदे बि शर्म थो अचे त असेंबलीअ जो मुतफ़िक़ा तौरु बिल उनखे बहालीअ जे लाइ असांखे असेंबलीअ जे आॾो एहतजाज करिणो थो पए। सिंध जा चूंडियल असेंबली मेंबर एतिरा बुज़दिल, एतिरा भाड़ी थी विया आहिनि उनजे में त हिकिड़ी धमकी मिलण सां ॿिरनि में लिकी विया आहिनि। हूअ पीपल्स पार्टी चवंदी आहे त क़ौम परस्तनि खे त असेंबलीअ लाइ वोट ई नथो मिले, त पोइ सॼी सिंध जे मिलियल वोट जो तव्हां कहिड़ी इज़त था कयो? ऐं असां इहा ॻाल्हि मीडिया जे ज़रिए सिंधी माण्हुनि खे ॿुधायूं था, पीपल्स पार्टी जे लीडरनि खे बि, त यादि रखो गुज़िरियल 40 सालनि खां तव्हां इहे मौके परस्तियूं कयूं आहिनि, मज़हबी इंता पसंदि सां सौदेबाज़ियूं कयूं आहिनि, उनजी क़ीमत सॼी सिंध जे पई, पाकिस्तान जो सॼो समाज अॼु मज़हबी इंता पसंदी शकिल में क़ीमत ॾिए पियो ऐं तव्हां बि उनजी क़ीमत ॾिनी आहे। पोइ दाहूं कंदा आहियो त असांजी लीडर क़तलु थी वई इंता पसंदनि जे हथऊं, इहो इन मौके परस्तियुनि जो नतीजो आहे। उन करे असां घुर था कयूं, हीअ एहतजाज इन लाइ आहे त जेको मुतफ़िक़ा तौर ते माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल पास थियल आहे उनखे फौरी तौर ते सही कराए कानून बणाए नाफ़िज़ कयो वञे। कम्युनिस्ट पार्टी जे अॻवान डॉक्टर निसार शाह जो चवणु हो त केतिरे अरसे खां एहतजाज करे रहिया आहियूं पर हुकूमत असांजे एहतजाजनि खे अहमियत नथी ॾिए।
अजोको एहतजाज जो है अस पेरी जनवरी से अस प्रेस क्लब के सामू कर चुका है ये एहतजाज, लेकिन हुक्मरान के माना कन से जू भी नी चुरे वो समझन ना इन गाल के हि जो खितो आ सिंध जो यो कदीम खितो आ इन में जो हिंदू न्याणियों अगवा थी जोरी जबरदस्ती है मजहब मटाए चे तो यो इंतहाई जुल्म के बराबर है बंद थे घुर्ज अड़ो जुल्म नारवा सलूक सिंध जो न्याणियों हि अगवा करे उन्होंने उन जबरदस्ती यानी माइनर एज में जो 18 साल ना है उन्हें का पे 17 साल की छोकरी था जो आईन के खिलाफ वर्जी है सभी के लिए मजमूरी तौर से खिलाफ वर्जी है। बी गाल यह है गवर्नर जो पे ICU में हुए उनके तो होश ही न हो तो ये चाहे बिल इन जबरदस्ती पान में हथनाट करे ड्रामो करे उन बिल के वापस कराया आने रखो अन जो इनते मुला फजल रहमान जो प्रेशर आसिफ जदारी मत इन करो ना कन पा अस चाहूँ था तो यो बीहर बहस कर असेंबली में यूनानी मसली यो बहाल किया वे इन इम्प्लीमेंट किया वे अमल गवर्नमेंट के होदा प्रेशर आ मुलन जो हेडा सिविल सोसाइटी प्रोग्रेसिव कोतू सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हि जो सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी आ या चैन जमायतों से मुश्तमिल कम्युनिस्ट पार्टी हिंसर कन्वेनर आयो अस उन्हें जे सिंह महाज आ अवामी जमहूरी पार्टी आ अबरार काजी वरन की उन अलावा AWP आ अवामी वर्कर्स पार्टी आ आबिद मंटू साहब वरन की तो अस चारई जो असतजाज कर रहा हूँ गजल नमूने अवामी जमहूरी पार्टी के अगवान एडवोकेट अयास चांडियो जो चवण हो तो जैसे बिल के खत्म किया वो तो वह आईन कानून की खिलाफ वर्जी होंगी। सिंध के अकलियती के तहफ़ देने वास्ते जो सिंध में सिंधी न्याणियों के खास तौर से हिंदू ए अकलियती न्याणियों के अगवा कर उनके जबरदस्ती उन मजहब तब्दील कर दहशतगर्दी कई पी वही अज असि गड थिया सिंध असेंबली उन प्रोटेक्शन लाइ बिल पास कयो गवर्नर ना मूव थियो गवर्नर साहब उनते साइन करण की बजाय उनके एज इट इज वापस मोकलो तेज अस आया हूँ सिंध असेंबली के अगैया तो सिंध असेंबली वरी उनके बहाल करे सिंध के जो अकलियत रहन था उनके तहफ़ दे रियासत के अंदर रियासत पांजन मानन के तहफ़ दियन के वास्ते के खास कानून ठाईंदी है जी रियासत के अंदर मानू अमन से शांति से पांजे इज्जत नफ्स से पांजे जान माल के तहफ़ से रही सके कानून वरी उनमें इम्प्लीमेंट कराईंदी है तें करे जे असी समझू था तो सिंध के अकलियत बिरादरी के इत इंतहाई खतरो है तो यो बिल पास करे उन जमा बेचैनी खत्म कई वे उनके एज अ पाकिस्तान जो शहरी जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 2 चैप्टर 1 में सिक्योर है तो पाकिस्तान की रियासत सभी मानों से इक्वली ट्रीट कंदी सभी मानों के तहफ़ कंदी सभी मानों के माल जान जो तहफ़ कंदी रियासत उनमें फैल वने थी तो वह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ़ हों ते असी चूं था तो पाकिस्तानी रियासत के अंदर सभी मानों के तहफ़ दिनों वे बिल बहाल कर सिंधी न्याणियों के खास तौर से अकलियत बिरादरी के तहफ़ दिनों वे तुसो सब पार्टी जहाँ मानू आन सिविल सोसाइटी जहाँ मानू आन असो वकील साहिबान मुख्तलिफ़ इदार में कम कदड़ मानू आन हर वक्त में फिक्र ताल्लुक रखंदड़ मानू रहन था लेकिन उन सभी गड़ियल आवाज़ है तो सिंध असेंबली पांजे पास कल बिल के वरी बी सिंध असेंबली पास कर उनके कानून की शिकल अटल दिनी वे हिंदू काउंसिल के अगवान डॉक्टर जयपाल जो चवण हो तो इन बिल के कानूनी शिकल दई बेचैनी खत्म कई वे असा जो ये अजोको एहतजाज किया उनको असो मकसद यो हो तो सिंध असेंबली एक बिल मंजूर किया हो तो सिंध में जबरी मजहब की जो तब्दीली है वह खत्म कई वे यो एक असो जायज़ मुतालबो भी हो उनमें पीपल्स पार्टी से गड तमाम जी बी सिंध असेंबली में सियासी पार्टियां तहरीक इंसाफ MQM फंक्शनल लीग भी उनकी हिमायत कई हुई ए कुछ वक्त का इतने यो पीपल्स पार्टी मजहबी धुरन के चवण से वापस वटे पई अस उनकी यह मजम्मत था क्यों तो कायदे अजम मोहम्मद अली जिना भी असें इन पाकिस्तान में बराबरी जो यकीन दियारो तो इतने गैर मुसलमान के तमाम बराबरी जहा हक हूँ इस्लाम भी यो को चे तो तेजो भी जबरी मजहब तब्दील कराओ छाकाणि त हिन बिल जो नालो ई आहे जबरी मज़हबी तब्दीली ते पाबंदी त इनजे करे असां इहो मुतालबो था कयूं इहो बिल बहाल कयो वञे वापसि न वरितो वञे पीपल्स पार्टी जी सरकार जेका पाण खे लिबरल पार्टी थी सॾाए उनखे इहो खपे त इहो बिल फौरन
बहाल करे उन में यो आए तो पीपल्स पार्टी से ये मुस्तकिल असांके हिकमत रखनी पवंदी तो असांके ही जो अज मुजाहरो कियो आ ये अगते भी असांके मुजाहरा करना पवंदा ए बेन सियासी पार्टियों से भी असांके मिलनो पवंदो तो उए असांजी हिमायत करन तो यो जो बिल आए वो सही आए दोबारा इनके बहाल कयो वने। अवामी जमहूरी पार्टी लेडीज विंग जी अगवान नजमा महेश्वरी जो चवण हो तो ही बिल के हद तई सिंधी हिंदुन के तहफुज दींदो इन बिल के कानूनी शक्ल दिनी वने। अजो को जो एहतजाज है वो मुसलसल सिंध में जो सो हिंदुन सा ढा ही जुलम जोरी मजहब तब्दील कर मजहब मटायण खो सारा माना आईन जुलम जो हिंदुन सा थियन पाया उन हक में एक बिल पास थो हो उन बिल के जो सो पीपी वापस वरतो हो हर पार्टी माना राजी हुई तो वो बिल ठीक है उनके बावजूद भी पीपी वो बिल वापस वरतो यो सरासर सिंधुन सा जुलम है डाढ़ ऐसी सोता सिंध में काफ़ी वक्त का या चई सको था पाकिस्तान खेण शर्ती सिंधुन से यो नानसाफियन जो सिलसिलो जारी थी वो जो अज तई भी जारी है इंसाफ नाले शय पाकिस्तान में आ ही को हिंदुन ला तो बिल्कुल भी कोने को इन करे ही मुसलसल जिदोजहद जारी है तो सिंधुन से को इंसाफ थिए एकड़ी इंसाफ की लहर दिसण में आई हुई तो को ही बिल पास थी हिंदू न्याणियों से को इंसाफ थी मगर वो बिल भी वापस वरतो वो असो यो मुतालबो है तो यो बिल जो सो बहाल थिए हिंदू से इंसाफ थिए। मुजाहरीन जो चवण हो तो सिंध असेंबली के मुतफिका पास कल इन बिल के कानूनी शक्ल दई सिंधी हिंदुन बिन मजहबन वारन मानन के तहफुज जो यकीन दियारो वने। दिलदार लाशारी रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन कराची अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।